स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नेक्स्ट पार्ट। लास्ट चैप्टर में हमने किया था बेटा ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें कौन कौन से थे, मेजर, मिडल और माइनर ड्रेन्स थी। उसके साथ साथ हमने कुछ टर्म्स भी की थी। आज हम करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम, जिसको मैंने कल भी थोड़ा बहुत बताया था कि जो ड्रेन्स हैं, जो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली हिमालयन रिवर सिस्टम या हिमालयन सिस्टम, पेनिनसुला सिस्टम। हिमालयन सिस्टम जो ये नॉर्दर्न सिस्टम है, इसमें क्या है, नॉर्दर्न रिवर्स आती है, जिसमें कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी, इसके साथ साथ और दूसरी रिवर्स भी आती हैं। ये क्या है, साउदर्न पार्ट में है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके आसपास के एरियाज से जो रिवर फ्लो करती हैं वो आती है पेनिनसुलर सिस्टम में। तो आज हम करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे हम इंडस रिवर। हमने पहले जो पहले के टाइम में मैप किए ना बेटा, हमने उनमें सिर्फ इतना ही किया है कि इंडस रिवर है, इंडस रिवर ऊपर से इसमें जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर से होती हुई और क्या कहाँ से कुछ इसको इधर पाकिस्तान की साइड निकल जाती है। लेकिन आज हम करने वाले हैं इंडस रिवर्स को और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज को। इसमें कौन कौन सी हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बेटा, जो इंडस रिवर है ना, तो ये वाली है ना बेटा जो इंडस रिवर है, ये बुखारचू एक जगह है कैलाश माउंटेन्स के पास, बुखारचू वहाँ से इसका ओरिजिनेट होती है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और सबसे फर्स्ट अगर हम देखें इस रिवर की, ये वाली जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये इस रिवर का मेन पार्ट है, जो हम बोलते हैं इंडस मेन रिवर है। ये तो है, ये वाला पार्ट तो है इसका, वो वाला पार्ट जो कहाँ, ये अकेली इंडस के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसमें दूसरी जो और रिवर्स आके मिलती हैं, अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो जास्कर रिवर है जो सबसे स्टार्टिंग में है, और ये क्या है, ये इधर से निकलती है। उसके बाद आती श्योक, एक श्योक रिवर है, श्योक रिवर में से ही नुब्रा, न्यूब्रा या नुब्रा रिवर्स है, रिवर्स नहीं बेटा रिवर, रिवर है वो इसमें से निकलती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, इसी में से इस ये क्या है, ये सेपरेट हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें इंडस में से कौन सी, द्रास, ये वाली रिवर है द्रास, और इसकी इसी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सुरु, ये सुरु ट्रिब्यूटरी है, ये इसी में से निकलती है। मीन्स पार्ट तो इसी का हुआ, क्योंकि इसमें से कौन सी, द्रास निकली और द्रास से ही सुरु। ओके, उसके बाद आती है सिगार। थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हैं हम तो ऊपर की तरफ आते हैं सिगार, सिगार के बाद बिल्कुल ऊपर जाते हैं जब हम, तो कौन सी आती है, गिलगित, गिलगित रिवर है वो आती है। इसके साथ साथ ना अगर हम आगे के पार्ट्स में देखते हैं ना इस रिवर के, तो उसके बाद आती है बेटा एक मेन रिवर है सतलुज। तो सतलुज रिवर है वो इस पार्ट से, हाँ यहाँ से है, और उसके साथ साथ उसकी कौन सी, पाँच दूसरी रिवर्स हैं। इसमें कौन कौन सी हैं, ब्यास और दो और रिवर्स हैं, तो वो इनसे निकलती हैं। उनको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखें, अभी के लिए हम कौन सी कर रहे हैं, इंडस रिवर में हमने यहाँ तक किया है। यहाँ तक कितनी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जास्का, श्योक, नुब्रा, सुरु, द्रास, सिगा और गिलगित, ये इसकी मेन क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस रिवर सिस्टम में से आते हैं। अब हम आगे देखते हैं बेटा, यहाँ तक हमने कौन कौन सी रिवर्स की थी, सबसे स्टार्टिंग कौन सी थी, जास्का, इसको फिर हल्का सा हाइंड से फिर से देखते हैं, जास्कर थी। उसके बाद कौन सी थी, श्योक, और श्योक में से कौन सी निकल रही थी, नुब्रा या न्यूब्रा, इसको टू नेम से बोलते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट्स में से कौन सी थी, द्रास, और द्रास से ही कौन सी निकल रही थी, शुरू, ठीक है। शुरू के बाद आती थी बेटा कौन सी, सिगार और गिलगित, ये मेन रिवर थी। तो इन रिवर के बाद अगर हम देखें तो आगे इन पार्ट में क्या है, ये सिंगल रिवर बहती है। इस अगर यहाँ तक की बात करें तो यहाँ इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज, इस पार्ट तक यहाँ इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है। फिर यहाँ आकर देखें ना, तो यहाँ आकर होती है बेटा इस एरिया से ये स्टार्ट होती है सतलुज, सतलुज रिवर है ये वाली मेन, ये सतलुज रिवर है, और ये क्या है, ये इस वाले पार्ट में से निकलती है। और उसके बाद सतलुज के बाद है इसी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, झेलम, चेनाब
रावी और सतलुज के अंदर से ब्यास। तो ये क्या है, ये पांच रिवर हैं, इनको कौन से क्या बोलते हैं, ये पांचों रिवर्स जिस जगह पे आके यहाँ पर आकर पांचों मिक्स हो जाती हैं। देखो ये वाला एरिया ना बेटा, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये रिवर्स पांचों यहाँ आकर इकट्ठी हो रही, इनको बोला जाता है पंच नद, मीन्स पंच मीन्स पाँच, नद मीन्स रिवर्स, फाइव रिवर्स कि यहाँ क्या है, फाइव रिवर हैं। और उसके बाद जहाँ पर क्या है, जो इंडस है और सतलुज रिवर है, ये दोनों मिक्स हो रही हैं, ये दोनों मिल रही हैं, वो कौन सी हैं, ये कौन सी है, मुठानकोट, मुठानकोट या मुठानकोट, इसको थोड़ा सा आपको जो इसको बोलते ना प्रोनाउंसिएशन, वो बेटा अलग अलग टीचर से आपको थोड़ा अलग मिल सकती है, क्योंकि कुछ क्या है मुठानकोट बोलते हैं मुठानकोट, तो आप समझ लेना जो आपको ठीक लगे, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाली जो झेलम रिवर है ना, जहाँ से ये झेलम रिवर इसके साथ कहाँ चेनाब के साथ निकलती है, तो इन दोनों का जो पॉइंट है ना, जॉइनिंग पॉइंट है, ये कहाँ है, झांग, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। और उसके साथ साथ कौन सी है, चेनाब और रावी का जो जॉइनिंग पॉइंट है ना, चेनाब और रावी का जो जॉइनिंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं सराय संधु, सराय संधु। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ना, ब्यास, ब्यास अकेली ऐसी रिवर है बेटा जो कौन सी, जो इंडिया में ही, ये रिवर्स क्या हैं, देखो चाहे इंडस है बेटा, चाहे झेलम है, चेनाब है, या रावी है, या फिर ये है सतलुज है, तो ये सब रिवर्स क्या हैं, ये रिवर्स इंडिया से कहीं यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, और क्या है, पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में, आसपास की कंट्रीज में निकल जाती हैं, फिर कहाँ, अरेबियन सी में। लेकिन ब्यास रिवर अकेली ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिनेट होता है रोहतांग पास के, उसकी से कुल्लू, कुल्लू हिल में रोहतांग पास से इसका ओरिजिनेट होती है ये, और उसके साथ साथ ये इंडिया की, इंडिया में ही रह जाती है, और कोई ऐसी रिवर नहीं है जो इंडिया से ही ओरिजिनेट हो और इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि ये आगे चलकर कहाँ, पाकिस्तान में निकल जाती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, इसमें क्या है, आपको मेन क्या है, इनको सिर्फ आपको मेन रिवर्स को याद रखना है, इनकी हल्की हल्की हिंट रखनी है 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। फर्स्टली तो क्या है, सबसे ऊपर वाली ये कौन सी है, इंडस रिवर है, जब मैं आपको बेटा मैप में बताऊंगी ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इतना यहाँ इसलिए डायग्राम बनाया है क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम आपको मैप में नहीं मिलेगा, और फिर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज देखोगे ना, तो आप बिल्कुल उलझ कर रह जाओगे, क्योंकि उसमें एरिया बहुत स्मॉल होता है, तो उसको भी करने के लिए क्या है, मैं मुझे ये बनाने की नीड हुई है। तो आप फिलहाल इसमें समझिए, जब आप मैप में देखोगे तो आपको डायग्राम एज इट इज सेम ही मिलेगा, उसका साइज स्मॉल होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप हम देखते हैं बेटा जो इंडस रिवर है, अब इन रिवर्स को हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। तो ये कहाँ, लद्दाख और जास्कर के बीच में फ्लो करती हैं, लद्दाख और जास्कर के बीच में ये कौन सी इंडस रिवर फ्लो करती है। देखो हमने यहाँ से पढ़ा था, ये जास्कर, यहाँ से जास्कर रिवर स्टार्ट होती है और इधर लद्दाख, इन दोनों के बीच में क्या है, ये फ्लो करती हैं। इसका बुखारचू जो इंडस रिवर है, इसका ओरिजिनेट जहाँ से ये क्या है स्टार्ट होती है, कौन सी, बुखारचू, ये कैलाश माउंट मानसरोवर से है। और ये क्या है, ये रिवर, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें क्या है पंचनद भी शामिल है। पंचनद में कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इज दैट क्लियर। उसके बाद सेकंड आती है झेलम। तो झेलम रिवर है ना बेटा, वो कहाँ, वेरीनाग, पीर पांजाल रेंज है कश्मीर वैली में, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। और क्या है, चेनाब, तो ये क्या है, बारालाचा, तो ये बारालाचा जगह है, वहाँ से चेनाब रिवर ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आती है रावी, तो रावी कहाँ से, कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास से। ब्यास भी सेम, दोनों का ओरिजिनेट एक जगह से ही होता है। देखो बेटा आप देख रहे होगे, यहाँ दोनों हैं ये वाली रिवर्स हैं, तो इनका क्या है, इनका जो ओरिजिनेट है ना, वो पास पास से ही है। सतलुज कहाँ, राकस लेक मानसरोवर से, तो इसका कहाँ से होता है, राकस लेक मानसरोवर से। अब झेलम रिवर को देखते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज,
झेलम रिवर है ये क्या है, वेरीनाग पीर पांजल, कश्मीर में एक रेंज है पीर पांजल रेंज, वहाँ पर वेरीनाग, ये जगहों के नाम है बेटा। मुझे लग रहा है आपको ये थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं। झेलम रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वेरीनाग से, जो कहाँ है पीर पांजल रेंज के अंदर से है मिलता है, और ये कश्मीर वैली में है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, किशन गंगा, सली गंगा और दूध गंगा, ये तीन रिवर ऐसी रिवर हैं बेटा जो क्या है झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो हमने जब आप अभी हम डायग्राम कर रहे थे तो उसमें हमने झेलम रिवर देखा था, लेकिन उसकी भी क्या है थ्री और ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उनका नेम याद रखने की ज़रूरत है। उनमें कौन सी, किशन गंगा, शैली गंगा और दूध गंगा। दूध गंगा की बात करते तो एक दूध गंगा बेटा नीचे अगर हम साउथ रिवर्स में देखें ना तो कावेरी रिवर है, उसकी भी क्या है ट्रिब्यूटरीज है। तो ये क्या है दो एक जैसी रिवर्स के नेम हैं, ट्रिब्यूटरीज के नेम हैं, इज दैट क्लियर। उसके बाद आती है नेक्स्ट रिवर चेनाब रिवर। जो चेनाब रिवर है ये क्या है बारालाचा, तो बारालाचा जगह है वहाँ से ये क्या है ओरिजिनेट होती है। चेनाब की कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर हम चेनाब रिवर को देखते हैं तो इसके टू पार्ट्स हैं। चेनाब रिवर कौन सी है, चंद्रा और भागा, ये क्या है ये टू इसके रिवर्स के पार्ट हैं। जब ये रिवर्स कहाँ से, जो चेनाब रिवर जहाँ से ये है ना बेटा स्टार्ट होती है, तो वहाँ इसके टू नेम है, मीन्स टू रिवर्स का कॉम्बिनेशन है। चंद्रा और भागा ये टू रिवर्स आती हैं थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में से, और जहाँ ये आकर मिल जाती हैं ना तो ये केलोंग वैली है वहाँ पे आके ये मिलती हैं, और वहाँ से एक रिवर की फॉर्मेशन होती है जो कौन सी है चेनाब। वहाँ जाकर इसका नाम क्या हो जाता है चेनाब। स्टार्टिंग में कौन कौन सी, चंद्रा और भागा टू रिवर्स हैं ये आती हैं, ये केलोंग वैली में इकट्ठी होती हैं और चेनाब रिवर का फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है रावी रिवर। रावी रिवर की बात करते हैं हम तो ये क्या है कुल्लू हिल्स रोहतांग पास में है। तो ये क्या है कुल्लू हिल्स या कुल ये यहाँ से इसका क्या है कुल्लू हिल्स से इसका ओरिजिनेट होता है। मीन्स ये जहाँ से आपको समझ जाना बेटा ओरिजिनेट मीन्स जहाँ से इनकी फॉर्मेशन होती है, और जो रिवर्स नॉर्दर्न रिवर हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, किसके आइस मेल्ट होने से। तो आइस मेल्ट होने से ग्लेशियर से इनकी फॉर्मेशन होती है, तो इस वाली रिवर की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है कुल्लू हिल्स से। ये कुल्लू हिल्स हैं रोहतांग पास के पास, तो वहाँ से इनका ओरिजिनेशन हो रहा है। कुल्लू वैली और चंबा वैली इन दोनों वैलीज को पास करते हुए रिवर आगे निकलती है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तवी, तवी एक रिवर है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। लेकिन क्या है जम्मू तवी कहाँ है, जम्मू में है इसकी ट्रिब्यूटरी, बट इट इंक्लूड इन रावी इन पाक। लेकिन जो ये तवी रिवर है बेटा ये कहाँ, ये पाक में जाके किस में इंक्लूड होती है, रावी रिवर में इंक्लूड होती है, मीन्स इंडिया में नहीं होती है। जब ये रिवर क्या है पाक के अंदर से निकलती है ना तो वहाँ उसकी एक ट्रिब्यूटरी और कौन सी है तवे, इट्स दैट क्लियर। ब्यास, ब्यास रिवर अकेली ऐसी है जो कुल्लू वैली से ही ओरिजिनेट होती है। रावी और इन दोनों का ओरिजिनेट स्थान एक जैसा है, ये मैंने पहले भी बताया था बेटा। ये अकेली ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिनेशन और ख़त्म दोनों क्या है इंडिया के अंदर ही होती है। बाकी रिवर्स क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हम इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते तो वो कहाँ निकल जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर निकल जाती हैं। अब लास्ट की बात कर रहे हैं हम सतलुज की। आज हमने पंचनद को डिस्कस किया है, पांच नदी, तो वो कौन कौन सी थी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। लास्ट सतलुज, तो सतलुज कहाँ है, राकास, राकास जगह है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और तिब्बत, तिब्बत में जाकर क्या है ये आगे बढ़ जाती है। अगर हम बात करें भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, वो क्या है सतलुज रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक की इंफॉर्मेशन क्लियर होगी होंगी। इनका मेन ये है बेटा कि ये आपको इनके इंफॉर्मेशन से ही लर्न रखनी होंगी, और अगर आप इनको मैप के थ्रू करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट में हम इसका मैप भी डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।